एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सैरी विना सेगा फ्लो। तो आज हम और एक मुद्रा लेके आए। तो ये मुद्रा जो है वेरी बेनिफिशियल है आपके लिए, आप बैठे बैठे ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये इवन आपको एग्जाम रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इवन आपको ये परफॉर्म करना पड़ता है। तो यही एक मुद्रा है, शांभवी मुद्रा। शांभवी मीन्स प्लेजर, मुद्रा मीन्स जेस्चर, या उसको हम मार्क कह सकते हैं या सील कह सकते हैं। तो आपको ये परफॉर्म करना है, तो इससे आपके जो है ना बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। जैसे कि हम ये परफॉर्म करते हैं तो इसमें हमें जो आई सेंटर जो रहता है, हमारे आईब्रोज के सेंटर में आपको इसमें गेजिंग करना होता है। तो इसको आईब्रो सेंटर गेजिंग भी इस मुद्रा को कहते हैं। इस मुद्रा को हमें फोकस करना पड़ता है हमारे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो हमारे आई मतलब आईब्रोज के सेंटर में होता है। तो इसे हम एक थर्ड आई सेंटर भी कह सकते हैं वहाँ पे, और ये सेंटर गेजिंग, आई सेंटर गेजिंग इसको और भी एक नाम है। तो शांभवी मुद्रा जो है हमें दोनों ये आँखों का यूज़ करते ही हमें ये मुद्रा लगानी पड़ती है। तो इसमें देखिए, आप आँखें ऊपर करके भी ले सकते हैं, या इनवर्ट मीन्स आप आँखें ओपन करके भी इसमें रुक सकते हैं, या आँखें ऊपर अपवर्ड करके आपको इनवर्ट करना है, मीन्स आँखें बंद करके भी आप इसमें जो मुद्रा है आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसको ये जो है मेडिटेशन पोस्चर है, तो इसमें अगर आपको मेडिटेशन करना है आगे जाके तो आपको ये शांभवी मुद्रा यूज़फुल है। तो फर्स्ट आप अगर शांभवी मुद्रा लगाते हो तो ये आपके चित्त पे वो क्या करता है, कंट्रोल लेके आता है। आपका चित्त जो कॉन्शियस होता है वो आपके कॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली डाउन करता है। आपके जो थॉट्स है वो जीरो थॉट्स करके आप इस ये जो पोस्चर है या ये मुद्रा आप मेडिटेशन पोस्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो अपने जो माइंड पे ये कंट्रोल करके लेके आता है, और आपके जो सेंसेस है उनको विड्रॉल कर। शांभवी मुद्रा जो है आई गेजिंग मुद्रा है। तो इसमें देखिए, आपका जो है कम्प्लीटली फोकस आता है आपके सेंटर पे, यहाँ पे। तो आपकी जो आँखें ऊपर आप ओपन भी रख सकते हैं इसमें, और क्लोज भी रख सकते हैं। शांभवी मुद्रा ईजी है आपको, और इसमें जो है आपके जो बेनिफिट्स भी इसमें मिलने वाले हैं, मैं आगे जाके वो बताती हूँ। तो शांभवी मुद्रा जो है आपको एक कंफर्टेबल पोज में आपको बैठना है, क्रॉस लाए, ये जो आपको बेस आपका ये कम्प्लीटली कंफर्टेबल बैठना है, इसको बैक स्ट्रेट रखनी है। इसमें आपका इसमें आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या स्वस्तिकासन में। तो कम्प्लीटली आपको इस पर कम्फर्टेबल पोज में बैठना है, एंड बैक स्ट्रेट रखते हुए आपकी दोनों आँखें ये अपवर्ड की साइड में आपको पूरे लेके जाना है। फर्स्ट सेंटर में देखते हुए ऊपर लेके जाएंगे। तो हम ये अभी परफॉर्म करते हैं मुद्रा। इसमें आपकी ब्रीदिंग ये नॉर्मल हो जाती है। अभी ये मैं अपवर्ड करते हुए आंखें बंद करके मैं फिर से परफॉर्म करती हूँ। फिर से मैं दोनों आंखों को गेजिंग करते हुए, आई सेंटर पे गेजिंग करते हुए, आईब्रो सेंटर पे, एंड देन आंखें बंद करती हूँ। रिलैक्स, इसमें टोटली हम थॉटलेस हो जाते हैं, हमारा चित्त कम्प्लीटली काम डाउन हो जाता है, हमारे एक भी थॉट्स इसमें नहीं रहते। तो ये शांभवी मुद्रा ये आपको इतनी बेनिफिशियल है, जिनका अगर मेंटली स्ट्रेस है, जिनके एक अस्वस्थ रहते हैं, एंग्जाइटी है, या वो कुछ कर नहीं पाते, उनका ध्यान नहीं लग पाता, आपकी एकाग्रता नहीं बढ़ती है, या आपके जो थॉट्स है कभी ये कभी वो सोचते रहते हैं, कभी अच्छे थॉट्स कभी बुरे थॉट्स भी आते, तो
तो इन्होंने शांभवी मुद्रा ये परफॉर्म करनी चाहिए आपके, इसे आप कर सकते हैं जैसे कि आप एक 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं या मोर देन, जैसे कि आपके अगर ये अभ्यास आप करते रहते हैं तो आप इसमें 10 मिनट या मोर देन 10 मिनट्स भी इसमें रुक सकते हैं, बट आपको इसका अभ्यास करते रहना है। और इसमें आपका जो बेनिफिट है, इसमें आपकी जो आई मसल्स है वो स्ट्रेंथनिंग होती है, आई रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसमें कम होते हैं, उसके साथ साथ जो आपकी एक दृष्टि इसमें तेज इसमें होती है, एंड इसमें आपका इसमें एंग्जाइटी कम होता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका जो है माइंड काम डाउन होता है, और जो आपके थॉट्स है आपके चित्त है वो एक जगह पे होते हैं, फोकस लेके आते हैं, और इसमें हम जो हमारे थॉट्स बढ़ते हैं उसको हम डाउन करते हैं, इसमें कम करके लेके आ सकते हैं। फिर हम इसमें जो इनवर्ड से आउटवर्ड इस ये पोज में ये स्टेट में हम आते हैं। तो शांभवी मुद्रा जो है वेरी यूजफुल, और आपको ये बैठे बैठे भी करनी है, आप कहीं पे भी इस बैठे बैठे भी कहीं पे आप अगर ट्रैवलिंग भी करते तभी भी आप ये शांभवी मुद्रा परफॉर्म करनी है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं या कुछ अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं तो इसमें भी ये कम करता है। शांभवी मुद्रा जो है ईजी है करने में, आप कहीं पे भी बैठ के भी ये कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है YCB लेवल 1, 2, 3, 4 एंड इवन थेरेपी के एग्जाम होती है तो उसमें भी ये शांभवी मुद्रा पूछी जाती है। तो शांभवी मुद्रा जो है हमारे आज्ञा चक्र पे हम फोकस करते हैं, तो हम हमारा आज्ञा चक्र जो है वो जागृत करते हैं, जो थेरेपी ये जो योगिक किससे हम कह सकते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र हम जागृत करते हैं। तो अगर आज्ञा चक्र जो अगर जागृत होने के कारण क्या होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो बढ़ती है, हमारी इमेजिनेशन पावर इसमें बढ़ती है, हमारे थॉट्स इसमें अच्छे बनते हैं और हम अच्छे जो पॉजिटिव थॉट्स इसमें लेके आते हैं। उसके साथ साथ जो है एक परसेप्शन हमारा इसमें बढ़ता है और हमें क्या एक डिस्क्रिमिनेशन पावर इसमें आ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें हम समझ सकते हैं ये शांभवी मुद्रा परफॉर्म करने के बाद। और ये एक मेडिटेटिव पोस्चर है तो आपको ये जो है आपके रूटीन में लेके आना है। अगर आप योगिक हो तो आपको ये डेली परफॉर्म करना चाहिए जिससे आपका चित्त है वो आप एक स्टेबल कर सकते हैं, एक जगह पे लेके आ सकते हैं, आपके थॉट्स इसमें कम कर सकते हैं। तो शांभवी मुद्रा जो है इतनी बेनिफिशियल है, इवन आप अगर छोटे बच्चे भी इसमें अगर परफॉर्म करते हैं तो इनका जो है जो स्कूल में या जाते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं तो उनका जो है एकाग्रता या आपका उनका फोकस इसके ऊपर बढ़ेगा। और किसे नहीं करना चाहिए, अगर रिसेंटली आपकी आईज सर्जरी हो या आईज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आपने जो है किसी गुरु या इंस्ट्रक्टर के अंडर ही या गाइडेंस के अंडर ही आपको करना है। तो आप अगर इवन आपका हेडेक हो, इवन मेजर हेडेक होता है तो उस टाइम पे भी आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। तो ऐसे ही मुद्राएं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल पे भी ये बहुत ही जो है काम करता है। तो इसमें ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका लाभ एंड इसके जो रिजल्ट है आपको मिलता ही रहेगा। तो आपको ये जो है इसकी प्रैक्टिस करती रहने हैं बैठे बैठे, इसमें आपको कुछ वर्कआउट नहीं करना है, जस्ट मुद्रा अगर परफॉर्म करते तो आपको ये इंटरनली फिजिकली और मेंटली लेवल पर ही आपको जो है बेनिफिट देता है। ऐसे में वीडियोस लेके आऊँगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा तो ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। और जैसे कि आपके फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसे काम करेंगे ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊँगी। नॉट ओनली कि आपको वेट लॉस करना है तो बट आपको जो है माइंड आपको शांत भी करना होता है, आपको रिलैक्स भी करना होता है, और एक हमारा जो है फोकस हमारे लाइफ में जो फोकस है उसके ऊपर हमें फोकस करते रहना है, बढ़ाना है, तो इसके रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए हो सके तो, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।